हेलो दोस्तों, अभी हम एक बहुत छोटे से स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा गिर चुका है, लेकिन अब क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हो। तो वो स्टॉक का नाम है दोस्तों NCC इंफ्रास्ट्रक्चर में इंगेज है ये कंपनी, ठीक है। अभी जो इसका करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 47.90 है। तो ये स्टॉक को दोस्तों हमें खरीदना चाहिए, चाहे जो भी हो दोस्तों हमें ऐसे स्टॉक को खरीद के रखना चाहिए, क्योंकि बहुत कम ही मिलते हैं ऐसे जो आपको छोटे छोटे वैल्यूएशन पे अच्छे प्राइस वाले स्टॉक कम मिल पाएंगे। तो ऐसे स्टॉक को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा, देखिए दोस्तों इसका प्राइस जो था बहुत ज़्यादा हाई था। अभी मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ इसका जो रियल प्राइस था। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2018 में ये स्टॉक जो है 140 रुपीज़ तक चला गया था, 140 रुपीज़ तक चला गया था। और उसके ठीक 2 साल पहले यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, कुछ यहाँ देख सकते हैं 2016 के आसपास ही ये फिर 60 रुपीज़ को टच किया था। 60 रुपीज़ को टच करने के बाद फिर देखिए 140 को, मतलब दोस्तों पैसा डबल से भी ज़्यादा कर दिया था, पैसा डबल से भी ज़्यादा कर दिया था। अब फिर जो है ये स्टॉक देखिए यहाँ पर गिरावट आ चुका है, ठीक है। तो कुछ लोग बोलेंगे क्यों ऐसा क्यों होता है। देखिए दोस्तों, ये जो एनसीसी कंपनी है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इंगेज है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक सीजनल इफेक्ट भी पड़ जाता है। जैसे कि मान लो कि रेनिंग सीजन, ठीक है दोस्तों, बरसात के मौसम में ऐसे प्रोजेक्ट मिलना थोड़ा कम हो जाते हैं। ये नहीं बोल सकता कि बंद ही हो जाते हैं यार, चाहे जो भी है, लेकिन थोड़ा कम हो जाते हैं। अब उसमें क्या होता है, स्टॉक का प्राइस जो है बहुत ज्यादा गिरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये देखिए हाई, जब भी प्रोजेक्ट इसको मिलेगा तो हाई चला जाएगा, फिर लो चला जाएगा जब इसको देखिए काम काज नहीं रहेगा। तो क्या होता है, ये जो कंपनी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ठीक है। अभी मान लीजिए कि एनसीसी कंपनी को एक सोसाइटी बनाने के लिए दे दिया गया कि भाई देखो ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, तुम इसको इतना करोड़ में बना दो, उसके बाद मैं आपको इतना ठीक है पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, एडवांस जो ले लिया जाता है। लेकिन क्या होता है, जब इसको पेमेंट एडवांस हो जाता है, जब अपने काम जो है स्टार्ट कर देती है, तो ठीक है इसको प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हो गया तो कंपनी का प्राइस इंक्रीज होगा। लेकिन दोस्तों जैसे इसके हाथ में प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, कंपनी बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा, तो इसका प्राइस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और कई बार इसका प्राइस जो है अप डाउन हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ज्यादा हाई में गया था, लेकिन ठीक है हाई जाने के बाद एक बार, ये दो बार गिरा, फिर ये तीसरा बार गिर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये डबल बॉटम को भी यहाँ देखिए तोड़ चुका है। तो ऐसे स्टॉक को मैं बोलूंगा कि थोड़ा टाइम लेगा आपका, लेकिन पैसा बना के देगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे स्टॉक ही आपको अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। और ऐसे टाइम पे जो है हमें ऐसे कंपनी को थोड़ा सा तो सपोर्ट देना चाहिए, जिसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों रिटर्न ऑन एफडी, डिविडेंड, हाँ दो चीज़ यहाँ पर आपको नेगेटिव देखा जा रहा है। और फर्स्ट क्या है दोस्तों कि अट्रैक्टिव डिविडेंड नहीं देता है कंपनी को। जब प्रॉफिट नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रहा, जब प्रोजेक्ट नहीं मिल पा रहा, तो दोस्तों कंपनी में कैसे ग्रोथ होगा, नहीं होगा, ठीक है। उसका बाद यहाँ पर देख सकते हैं रेड फ्लैग फाउंडेड बताया गया है दोस्तों, हाई डिफिसिट प्रॉबेबिलिटी है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें भी। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा बुलिश है ऐसे स्टॉक पे। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों अराउंड 81% के आसपास बोला जा रहा है कि इसमें खरीदारी करना चाहिए। और अभी एक वजह है, वो वजह आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों एनसीसी को एक प्रोजेक्ट मिल चुका है, ऑर्डर मिल चुका है, उसका कितना देख सकते हैं दोस्तों, वर्थ कितना है, तो 530 करोड़ का, ठीक है। 530 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट मिला है, तो ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ, कुछ दिन पहले ही मिला, और उसके बाद जो है शेयर में थोड़ा बहुत अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिनके पास पेशेंस है वो पैसा कमा लेंगे, जिनके पास पेशेंस नहीं है उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा सही से। क्यों? क्योंकि दोस्तों कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट करने में चाहे जो भी हो टाइम तो लग जाता है, चाहे 2 महीने 3 महीने टाइम तो लग जाता है किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में, तभी जाके उस प्रोजेक्ट का फुल पेमेंट किया जाता है कंपनी को, ठीक है। अगर उसके बीच में आप सोच रहे हो कि पैसा निकाल लूँ, ये वो कर लूँ, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। मतलब शेयर का प्राइस मैं बोल रहा हूँ, जब इसमें जो है एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों इस ऑर्डर का, तब जाके है यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुका है, जब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, तब इसमें जो है आपको ग्रोथ आना स्टार्ट होगा। तो मैं बोलूंगा जिन्होंने पहले से खरीद रखा है भाई, उनके लिए तो सही है, अगर उनके लिए तो थोड़ा लॉस भी हो रहा होगा, तो मैं बोलूंगा होल्ड कीजिए, ठीक है, पेशेंस रखिए आप लोग, रिकवर हो जाएगा धीरे धीरे, प्रॉफिट में भी आएगा, ठीक है। जो खरीदना चाहते हैं भाई वो भी खरीद लो एनसीसी, लेकिन सोच लो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।